लगातार बढ़ती गर्मी के साथ साथ लोकसभा चुनाव की गर्मी भी तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के उम्मीदवार सुनील तेवतिया भी लगातार लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे हैं। आज प्रिथला विधानसभा के लगभग 16 गांवों में चुनाव प्रचार के लिए तेवतिया पहुंचे, जहां पर उन्हें भारी जन समर्थन मिला। इस दौरान तेवतिया ने क्या कुछ कहा, सुनिए। आज का माहौल तो कल से भी और ज्यादा पॉजिटिव था। आज हम 16 गांवों में गए और 16 के 16 गांवों में खूब अच्छा स्वागत किया गया, खूब हाथ उठा के लोगों ने समर्थन दिया और आज बल्कि हमें और ज्यादा मजबूती दिखी पहले के मुकाबले। कहीं ना कहीं गांव के गांव एक तरफ होने जा रहे हैं, माहौल परिवर्तित होता दिखाई दे रहा है लोकसभा चुनाव का। बिल्कुल परिवर्तित तो है, होगा और हो भी रहा है। जैसे कि भाजपा के खिलाफ पूरा माहौल है और अब शायद मेरे ख्याल से जैसी हवा महेंद्र प्रताप जी की एक बार लगी थी कि भाई कई लोगों को भाई वो ज्यादा मजबूत रहेंगे, लेकिन वो पासा भी वापस पड़ता जा रहा है धीरे धीरे। तो बल्लभगढ़ से लेके हथी, नोडल, पिरथला, इन चार क्षेत्रों में तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत है, हम अच्छा चुनाव लड़ेंगे। क्या क्या वादे हैं आपके पार्टी की, बात करते हैं घोषणा पत्र की, बात करते हैं कई वादे आपके देखो अभय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि जैसे अब मान लो एक एमपी जीतता है तो एक एमपी का मतलब है लगभग 10 के करीब एमएलए आना, दो सांसद जीतते हैं तो संख्या 20 तक पहुंच जाती है। तो ये हमें पूरा यकीन है कि अक्टूबर में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इस बार इन लोगों की सरकार जरूर बनेगी और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रखा है, जैसे मेरे यहाँ भी उन्होंने मंच से बोला था एक बार 9 जनवरी को कि पहली कलम से जिस दिन मुख्यमंत्री होंगे पहली कलम से जो पेंशन है वो 3000 से सीधी 7500 रुपये कर दी जाएगी और एक सिलेंडर हर महीने हर परिवार को फ्री दिया जाएगा, एक गृहिणी को घर में 1100 रुपये अलग से उसके खाते में दिए जाएंगे सरकार की तरफ से और हर घर में जैसे कि लगभग 3 लाख सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं आज, तो उसमें हर परिवार से एक लड़का जो पढ़ा लिखा होगा उसको सरकार नौकरी देने का काम करेगी और जब तक नौकरी नहीं लग जाती जब तक 1,21,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता उस पर लड़के को दिए जाएंगे ताकि उनका परिवार अच्छे से चल सके। तो इस प्रकार के बहुत सारी चीज़ें हैं और वो इस बात के सब लोग जानते हैं कि वो जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। देखो हमें हमारी पार्टी ऐसी है कि हमें स्टार प्रचारक की जरूरत नहीं है, हमारा जो कैडर है पार्टी का वो ऐसा नहीं है कि आज इधर है कल उधर चला जाएगा, जो इन्हें लोगों का कार्यकर्ता है और जो इन्हें लोगों का नेता है वही हमारा सबसे स्टार प्रचारक है। एक आदमी दूसरे पार्टी के प्रत्याशियों पर लगभग 100 लोगों पर भारी पड़ता, हमारा एक कार्यकर्ता वो इतना मजबूत है। और हमारे तो भाई अभय सिंह चौटाला अपने आप में एक मिसाल है, वही हमारे स्टार प्रचारक है। थोड़े दिन में अगर स्वास्थ्य ठीक हुआ, जैसे ओम प्रकाश चौटाला जी ने फेसबुक पर भी वीडियो डाली थी कि मैं बहुत जल्दी हरियाणा में निकलूंगा अभी, तो अगर वो भी आ जाएंगे तो वो सबसे बड़े स्टार प्रचारक है। बिल्कुल करते हैं और बहुत से लोग जो जेजेपी में उस वक्त चले गए थे लगभग हर गांव से वो वापस इनेलो में आ रहे हैं, हमें रोज ऐसे 10-20 लोग मिलते हैं भाजपा छोड़ के इनेलो में आए हैं लोग वापस। कुछ लोग भाजपा में चले गए थे 2019 में जब परिवार टूटा था, लेकिन सब घर लगभग वापसी करनी शुरुआत कर रखी है, रोज 10-20 लोग हमारे साथ शामिल होते हैं वापस इनेलो में आ रहे हैं। तेवतिया ने कहा कि सभी पार्टियां अपने अपने स्टार प्रचारकों को लेकर मैदान में जा रही हैं। उनकी पार्टी के कार्यकर्ता ही उनके पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता बीजेपी और अन्य पार्टियों के मुकाबले 100 पर भारी पड़ता है। फरीदाबाद से अनिल लाठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।